इतने बड़े दरिया के लिए सामने में दिख रहा होगा लाइट वाला, टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा यार? रोड जाम है यहाँ पे, सब हूँ बड़े दरिया का। मैं देखता हूँ क्या क्या यहाँ पे मिल जा रहे हैं खाने पीने के। देखते हैं भाई यहाँ पे साउथ, यहाँ पे बिरयानी है। अरे बिरयानी खाओगे क्या? भीड़ उठ के वापस ही हो रहे हैं यार। किनारे किनारे बहुत अच्छा सा यहाँ पे लाइटिंग दिया, बैठ के चिल मार रहे हैं भाई। आ गया हूँ सिंगापुर, तो देख रहे हो बड़े दरिया सामने में। इतना ट्रैफिक जाम है क्या ही बोलूँ मैं, पूरा ट्रैफिक जाम है बड़े दरिया, पूरे गाड़ी गाड़ी चारों तरफ गाड़ी गाड़ी। अभी गाड़ी यहीं पे रख रहे हैं भाई, गाड़ी रखने के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है यार, इतना जबरदस्त माहौल है। तो अभी हम जा रहे हैं बड़े दरिया के लिए, सामने में दिख रहा होगा लाइट वाला, और भीड़ तो देख ही रहे। बाप रे, बड़े दरिया के पास में आ गए हैं, फुल खाटी माहौल है भाई। बाप रे, टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा यार, वो देखने वाली बात है। पूरा रोड जाम है यहाँ पे, सब घूम फिर के वापस हो रहे हैं। अभी अपने को जाना है, तो यहाँ से नज़ारे एक बार देखो आप लोग, बड़े दरिया का क्राउड ही क्राउड है। जहाँ हम लोग कम से कम 500 मीटर चल के आए हुए हैं, गाड़ी हमने वहीं पे रखा हुआ है, बड़े दरिया का नज़ारा। गाइस वेलकम बैक ब्लॉग रोड पे, फिर सब सभी का स्वागत है। गाइस अभी मैं आ चुका हूँ बड़े दरिया, जैसे कि आप लोगों को मैं क्राउड दिखा रहा हूँ, और क्राउड को देखते हुए यहाँ पे एंट्री जो फीस है वो फ्री कर दिया गया है, और लाइट थोड़ा सा कम है तो मैं दिख नहीं रहूँगा क्योंकि सवेरे से घूम रहा हूँ, थका सूरत निकाले हो गए हैं। यहाँ पे देखो काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं इंजॉय करने के लिए, बड़े दरिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। कुछ आंटी अंकल भी मिले हुए थे जो हमारे वीडियो को देख के यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, वो चलते जा रहे हैं अपने लोगों को हाथी माहौल दिखलाते हुए, तो बुढ़िया लोग फोटो खिंचा रहे हैं। इस साइड भी हाथी बने हुए हैं और इस साइड भी हाथी बने हुए हैं। ओ भाई साहब भयानक भीड़ है, तो हमें बोरा हो गया था कि यहाँ पे टिकट लग रहा है भाई साहब। अब टिकट कटाने के लिए अपने को फिर जाना पड़ेगा, टिकट जो है उस साइड कटाना पड़ेगा। यहाँ पे टिकट लग रहा है, हमें कोई बताया था कि टिकट नहीं लग रहा, टिकट लेके आना पड़ेगा। बड़े दरिया भाई, भयानक भीड़ों का सोचा नहीं था मैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बड़े दरिया, साइड में चौपाटी है, तो अगर आप कुछ खाना पीना चाहते हो तो खा भी सकते। अभी हम दिखा देते हैं यहाँ पे क्या क्या मिल जा रहा है, कौन कौन से शॉप ओपन है। यहाँ पे देखता हूँ क्या क्या यहाँ पे मिल जा रहे हैं खाने पीने के आइटम्स, ताकि आप भी आकर खाना पीना कर पाएंगे। प्रोटीन देखो यहाँ पे शाहमुखली मिल जा रहे हैं, और बड़ा मिल जा रहा है, ये सब चीज़ें आप खा सकते हैं, ये यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे सेक्शन पर चलते हैं। यहाँ पे गुपचुप मिल रहा है यहाँ पे, और सब यहाँ पे गुपचुप खा रहे हैं, देख रहे हो भीड़। आप इस कदर से भीड़ है यहाँ पे गुपचुप का। आलू टिकिया, तो यहाँ पे आलू टिक्किया मिल जा रहे हैं, गुपचुप, और देन यहाँ पर है दबेली पाव भाजी, ये रेट भी लिखे हुए हैं, तो आप यहाँ पे सब खाना पीना कर सकते हैं। जैसे कि ये देखो यहाँ सब खाना पीना कर रहे हैं, और ये भाई भी खाना पीना करने की आया हुआ है। हेलो भैया, गुपचुप सेंटर दिखा दिया, पाव भाजी सेंटर भी दिखा दिया, देन यहाँ भी क्या मिल जा रहा है भाई, चाउमीन मिल जा रहा है इस साइड में, तो यहाँ पे आप चाउमीन का आनंद उठा पाएंगे। हैंकर भीड़ है, लेकिन ये देखो यहाँ पे चाउमीन बन रहा है, मंचूरियन भी बन जा रहा है, तो ये खाना पीना आप कर पाएंगे। तो अभी दूसरा सेक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भाई इतने भीड़ है ना कि बच्चे बच्चे भी एकदम पैर में आ जा रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं, अच्छा यहाँ पे आइसक्रीम है, हर जगह भीड़ है भाई, आइसक्रीम की दुकान है यहाँ पे। देन इधर देखते हैं भाई, यहाँ पे साउथ डोसा डोसा इडली सांभर सब मिल जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्राउड में रहकर खाना थोड़ा सा दिक्कत होता है। देखो आंटी जी, हाँ आंटी अंकल जी यहाँ पे, आप लोग कहाँ से हैं? भिलाई से है ना आप लोग? अच्छा, देखो मिलकर अच्छा लगा आप लोगों से, जी जी धन्यवाद। इस यहाँ पे पिज्ज़ा मिल जा रहा है, पिज्जा है 140, 150, 160, पिज्जा सब खा रहे हैं यहाँ पे पूरी फैमिली। नहीं यहाँ आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बिरयानी है, अरे बिरयानी खाओगे क्या? बिरयानी दोनों होगा, हाँ वेज रोल भी है, रोल भी मिल जा रहा है यहाँ पे, पूरी फैमिली यहाँ पे रोल खा रहे हैं। हाँ नॉन वेज नहीं है ना,
नॉन वेज लिखा है कि नहीं? हाँ वेज है, पूरा वेज करके लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पूरी वेज मिलेगी आप लोगों को, तो आप खा सकते हैं। देखो ये महिला निकाल रही है। यहाँ पे जितने भी शॉप हैं वो सारे मैंने आप लोगों को दिखला दिया गाइस। तो यहाँ पे पंखा लगा हुआ है, देखते हैं यहाँ पे क्या है भाई। तो विश्राम कक्ष होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। ये देखो, अच्छा विश्राम कक्ष है जहाँ पे आप बैठ सकते हैं, चील मार सकते हैं। फिर देख रहे हो धड़ल्ले से भीड़ आ रही है, लगता है जो फाउंटेन है वो ख़त्म हो गया लग रहा है। प्रतीत काशी हो रहा है अपने को। साहब भीड़ देख रहे हो, पूरे भीड़ उठ के वापस ही हो रहे हैं यार, जा कोई नहीं रहा है गाइस। तो यहाँ पे पानी भरने की वजह से हम लोग इधर से जा रहे हैं, और उस साइड का तो मैं आप लोगों को दिखला ही नहीं पा रहा हूँ क्योंकि उस साइड काफ़ी अच्छा रोशनी किया गया है भाई। मैं तो आप लोगों को बड़े तरिया में भीड़ दिखला रहा हूँ बस, यहाँ जहाँ से लोग आए हुए हैं भाई। सोचा नहीं था कितना क्राउड होगा बड़े तरिया में। देखते जाओ आप लोग, ट्रेन भी अभी बंद है तो कहाँ कहाँ से होते हुए आ रहे हैं। ये थोड़ा सा जो भीड़ है कम हुआ है, तब जाके हम आप लोगों को इस साइड आकर दिखला रहे हैं भाई। देख रहे हो बेहतरीन सजा के रखे हुए यार लाइटों से, एक नंबर। ये जो फुहारे, छोटे छोटे फुहारे हैं, इसकी छीटें हैं कुछ ज़्यादा ही आ रही है। इधर पूरा गीला हो गया इस साइड में, पूरा गीला हो गया। ये देखो लक्ष्मण झूला भाई, वहाँ पे अच्छा खासा भीड़ देखने को मिल रहा है। फोटोग्राफी भी कर रहे हैं बढ़िया सा, चलते जा रहे हैं आप लोगों को पूरा भ्रमण कराते हैं। बड़े तरिया लोग इतना आए हुए हैं यहाँ पे। ये देखो सामने में है लक्ष्मण झूला। लाइटिंग यहाँ पे काफ़ी गजब की है भाई, बहुत सुंदर बनाए हुए हैं बड़े तरिया। चलते हैं इधर का थोड़ा सा माहौल देखते हैं हम लोग। टिंग गाइस यहीं पर होता है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फोटोग्राफी चल रहा है। क्या है गुडू, अच्छा बच्चा लिया हुआ है। तो जब फाउंटेन चलता है तो यहीं से बैठ लोग निहारते हैं, नज़ारा देखते हैं, और काफ़ी शानदार सा होता है। पिछला व्लॉग देख लीजिएगा, इस बार तो मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ और भीड़ की वजह से मैं अंदर आ भी नहीं पाया। सामने में है हमारे भोलेनाथ, दिखाते हैं तालाब के किनारे किनारे। बहुत अच्छा सा यहाँ पे लाइटिंग दिया गया है, और यहाँ पर है शंकर भगवान का फोटो, शिवलिंग टाइप का बना हुआ है। अगर बच्चे लोग एक्टिविटी करना चाहते, झूला झूलना चाहते हैं, तो यहाँ पर झूले की व्यवस्था भी है। और ये देखो यहाँ पे सब बैठ के चिल मार रहे हैं भाई, भीड़ देख रहे हो, तगड़ा भीड़ है। फाउंटेन यार समाप्त हो गया, काफ़ी लेट हो गए हम लोग। तो अभी हम जा रहे हैं लक्ष्मण झूला की, और लक्ष्मण झूला भी आप लोगों को पास से दिखलाते हैं। अभी मैं आ गया हूँ सिंगापुर, देख लो ये सिंगापुर, और आगे में है लक्ष्मण झूला। क्या बात है, एक नंबर। चलो आगे बढ़ते हैं यार, यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा भी आ रहा है। आ गए हम लक्ष्मण झूला के पास में, और यहाँ से एक नज़ारा देखता हूँ मैं। ये देखो ना यहाँ से नज़ारा देखो भाई साहब, चारों तरफ लोग ही लोग हैं। और जो ट्रेन है वो अभी बंद है, बुलेट ट्रेन। अच्छा खासा लाइटिंग दिया गया है यहाँ पे, काफ़ी दूर दराज से लोग आ रहे हैं बड़े तरिया घूमने के लिए। एक बारी हम यहाँ से नज़ारा दिखाते हैं, यहाँ से नज़ारा। इतना भीड़ था भाई, अभी भीड़ थोड़ा सा। ये देखो भैया सो गए यहीं पे। ये देखो सब मजे कर रहे हैं यार, और लाइटिंग तो एक तरफा है यार जबरदस्त। यहाँ से नज़ारा देखो, इसके इत्र गिर्त में ना ट्रेन चलती है, जो ट्रेन वहाँ पे खड़ी है लाभ किनारे में, पूरी लाइट ही लाइट है भाई। बहुत अच्छा लगता है यार ये सब देख के, बढ़िया। अभी है छोटा सा सिंगापुर गाइस, तो यहाँ भी सिंगापुर वाला है। अगर आप इस साइड भी फोटोग्राफी करना चाहते हो क्योंकि उस साइड ज़्यादा भीड़ हो जाता है, तो करा सकते हो। देन यहाँ यह सब बना हुआ है टावर टाइप का, और यहाँ पे बच्चे लोगों के लिए खेलने के लिए काफ़ी सारे झूले हैं। उस साइड भी झूले बने हुए हैं, इस साइड भी झूले हैं। हर जगह मस्त सुंदर सा फाउंटेन बना हुआ है, लाइटिंग भी अच्छा खासा है। यहाँ हिलने फिरने के लिए भी जगह नहीं है यार वाकई में, अतलंग हो त्रहालबाड़ू। क्या रंग बिरंगे यहाँ पे पानी उछलते कूदते, बहुत बढ़िया सा दिख रहा भाई। कलर भी अलग अलग प्रकार के हैं। अभी फुहारे हैं भाई, एक नंबर बनाए हैं, लेकिन भाई बड़े तरिया कलर चेंज हो गया गाइस। तो यह है बड़े तरिया रेलवे स्टेशन, कुंभ रेलवे स्टेशन जो कि बंद है। तो हम यहां से थोड़ा और आगे बढ़ते, थोड़ा आगे बढ़ते बढ़ते एग्जिट पॉइंट के आसपास आ गए हैं।
बड़े तरीके का नज़ारा। तो ये मैं आप लोगों को दिखला नहीं पाया था, और यहाँ पे झूला सेक्शन भी है बच्चे लोगों के लिए। तो यहाँ से अपन बाहर निकलते हैं भाई, बाहर निकलने का वैसे यहाँ से है, लेकिन हम लोग इसके अंदर से होते हुए चलेंगे। क्या सुंदर सा बना रखे हैं भाई, एक नंबर, ज़बरदस्त। हालांकि इसमें थोड़ा फाउंटेन वगैरह होता तो मज़ा आता, मस्त बैठ के फोटोग्राफी कर रहे हैं, बढ़िया सा जगह जगह पे। और यहाँ पे बहुत सारे स्टॉलें हैं खाने पीने का, जो आप लोगों को मैं शुरुआत में ही दिखला दिया था। गाइस, तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और आप भी आ सकते हैं बड़े दरिया घूमने के लिए, कुमारी से लगा हुआ है।